कभी दर्शन को शिरडी आया नहीं, कभी दर्शन को शिरडी आया नहीं, धाम चारों गया भी तो क्या फायदा। कभी दर्शन को शिरडी आया नहीं, धाम चारों गया भी तो क्या फायदा। साई सच्चरित्र की इस महाग्रंथ की पावन कथा को जिसने सुना नहीं, उसे ये तन मिला भी तो क्या फायदा। हम कथा सुनाते शिरडी के साईनाथ की, ये पुण्य कथा है शिरडी के साईनाथ की। हम कथा सुनाते साई शिरडी धाम की, ये साई सच्चरित्र है पुण्य कथा मेरे शिरडी के साई राम की। साई जीवन माला प्रस्तुत करते हैं श्री साई सच्चरित्र अध्याय 38, कथा मेरे शिरडी के साई नाथ की। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। मैं हूं रामचंद्र गुप्ता, सह सचिव श्री साई बाबा सेवा आश्रम करकी रोड कोटा, जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। तो आज हम आपको साई सच्चरित्र अध्याय 38 की पावन कथा को आगे सुनाएंगे। पूर्व में हमने बाबा किस तरह भक्तों को, गरीबों को इसी द्वारिका माई में जो शिरडी में मौजूद है, भोजन अपने हाथों से पकाकर खिलाते थे। इस कथा के आगे हम आपको बताने जा रहे हैं बाबा की ये पावन कथा संसार में फैली इस महामारी को दूर करने के लिए साई धाम के संचालक और श्री साई बाबा के परम प्रिय मानस शिष्य श्री कैलाश चंद गुप्ता जी के आदेशानुसार साई की द्वारिका माई में हमें यह सुनाने का सौभाग्य मिला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जयकारा मेरे शिरडी के साईनाथ का, बोलिए साचे दरबार की जय। मुटकुले भी बना लेते थे, जी हाँ, पत्थर की सील पर मसाला पीस कर हंडी में डाल देते थे, और भोजन अच्छा बने इसके लिए साईं बाबा भरसक प्रयत्न किया करते थे। और ज्वार के आटे को पानी में उबाल कर उसमें छाछ मिलाकर आमटी बनाते और भोजन के साथ सब भक्तों को समान मात्रा में बांट देते थे। भोजन ठीक बन रहा है या नहीं, यह जानने के लिए वे अपनी कफनी की बाहें, जी हाँ, अपनी कफनी ऐसी पहनते थे बाबा, बाहें ऊपर चढ़ाकर निर्भय हो उबलती हंडी में हाथ डाल देते और उसे चारों ओर घुमाया करते थे। ऐसा करने पर भी उनके हाथ पर ना कोई जलन का चिन्ह और ना चेहरे पर कोई पीड़ा की रेखा प्रतीत होती थी। जब भोजन तैयार हो जाता तब वे मस्जिद से बर्तन मंगाकर मौलवी से फतिहा पढ़ने को कहते थे, और फिर वे महालसापति तथा तात्या पाटिल के प्रसाद का भाग पृथक अलग करके शेष भोजन गरीब और अनाथ लोगों को खिलाकर उन्हें तृप्त करते थे। सचमुच वे लोग धन्य थे, कितने भाग्यशाली थे वे जिन्हें बाबा के हाथ का बना और परोसा हुआ भोजन खाने को प्राप्त हुआ। यहाँ कोई शंका कर सकता है कि क्या वे शाकाहारी और मांसाहारी भोज्य पदार्थों का प्रसाद सभी को बांटा करते थे। इसका उत्तर बिल्कुल सीधा और सरल है कि जो लोग मांसाहारी थे उन्हें हांडी में से दिया जाता था और शाकाहारियों को उसका स्पर्श तक ना होने देते थे, और ना ही उन्होंने कभी किसी को मांसाहार का प्रोत्साहन ही दिया, और ना ही उनकी आंतरिक इच्छा थी कि किसी को इसके सेवन की आदत लग जाए। यह एक अति पुरातन अनुभूत नियम है कि जब गुरुदेव प्रसाद वितरण कर रहे हों तभी यदि शिष्य उसके ग्रहण करने में संकित हो जाए तो उसका अधः पतन हो जाता है। अनुभव करने के लिए कि शिष्यगण इस नियम का किस अंश तक पालन करते हैं, वे कभी कभी परीक्षा भी ले लिया करते थे। उदाहरण में एक दिन एकादशी के दिन उन्होंने दादा केलकर को कुछ रुपए देकर कुछ मांस खरीद लाने को कहा, और दादा केलकर पूरे कर्मकांडी थे और प्रायः सभी नियमों का जीवन में पालन किया करते थे। उनकी यह दृढ़ भावना थी कि द्रव्य अन्न और वस्त्र इत्यादि गुरु को भेंट करना पर्याप्त नहीं है, केवल उनकी आज्ञा ही शीघ्र क्रियान्वित करने से वे प्रसन्न हो जाते हैं, यही उनकी दक्षिणा है। तथा दादा शीघ्र कपड़े पहनकर एक थैला लेकर बाजार जाने के लिए उद्धत हो गए। तब बाबा ने उन्हें लौटा दिया और कहा कि तुम ना जाओ, अन्य किसी को भेज दो। दादा ने अपने नौकर पांडु को इस कार्य के निमित्त भेजा। उसको जाते देखकर बाबा ने उसे भी वापस बुलाने को कहकर यह कार्यक्रम स्थगित कर दिया। ऐसे ही एक अन्य अवसर पर उन्होंने
दादा से कहा कि देखो तो नमकीन पुलाव कैसा पका है। दादा ने यूं ही मुंह देखा कह दिया कि अच्छा है। तब ये कहने लगे कि तुमने ना अपनी आंखों से ही देखा और ना ही अपने जीहा से स्वाद लिया, और फिर तुमने यह कैसे कह दिया कि उत्तम बना है। थोड़ा ढक्कन हटाकर तो देखो। बाबा ने दादा की बांह पकड़ी और बलपूर्वक बर्तन में डालकर बोले, थोड़ा सा इसमें से निकालो और अपना कट्टरपन छोड़कर चख कर देखो। जब माँ का सच्चा प्रेम बच्चे पर उमड़ जाता है तब माँ उसे चिकोटी भरती है, परंतु उसका चिल्लाना या रोना देखकर वह उसे अपने हृदय से लगाती है। इसी प्रकार बाबा ने सात्विक मात प्रेम के बस हो दादा का इस प्रकार हाथ पकड़ा। यथार्थ में कोई भी संत या गुरु कभी भी अपने कर्मकांडी शिष्य को वर्जित भोज्य के लिए आग्रह करके अपनी अपकीर्ति कराना पसंद ना करेगा। इस प्रकार यह हांडी का कार्यक्रम सन 1910 तक चला और फिर स्थगित हो गया। जैसा पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है कि दासगणों ने अपनी कीर्तन द्वारा समस्त बंबई प्रांत में बाबा की अधिक कीर्ति फैलाई। फलतः इस प्रांत से लोगों के झुंड शिरडी को आने लगे और थोड़े ही दिनों में शिरडी पवित्र तीर्थ क्षेत्र बन गया और भक्तगण बाबा को नैवेद्य अर्पित करने के लिए नाना प्रकार के स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ लाते थे। इतनी अधिक मात्रा में एकत्र हो जाता था भोजन सामग्री की फकीरों और भिखारियों को संतोष पूर्वक भोजन कराने पर भी वह बच जाता था। नैवेद्य वितरण करने की विधि का वर्णन करने से पूर्व हम नाना साहब चंदोलकर की उस कथा का वर्णन करेंगे जो स्थानीय देवी देवताओं और मूर्तियों के प्रति बाबा की सम्मान भावना की द्योतक है। तो बाबा की यह कथा हम अगले वीडियो पे आप लोगों को बताएंगे, ताकि आप सभी नाना साहब द्वारा देव मूर्ति की उपेक्षा जिस प्रकार उन्होंने की थी इसकी कथा को जरूर श्रवण करें। बाबा आप सभी का भला करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए ओम साई राम। अगर आप सभी साई जीवन वाला पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए सर्वप्रथम बाबा के वीडियो प्राप्त करने के लिए। आप सभी साई सचिव साई गणेश महाग्रंथ का पाठ करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज करें, हम आप तक साई सच्चरित्र व साई ज्ञानेश्वरी महाग्रंथ पहुंचाने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। Thank you.
साईं बाबा की।